वैसे तो रसम खीर की है, लेकिन कुछ कबाब बना देना, अहमद को बड़े पसंद है। आंटी आज तो हम बाहर जा रहे हैं। हाँ जाना तो है, पर तुम चाहो तो आई थिंक बना सकती हो, अभी तो बहुत टाइम है। हाँ अहमद, जाके ना जरा गोश्त ले आना कबाबों के लिए। एक सेकेंड, तुम क्यों जाओगे? ड्राइवर को भेज दो। अरे नहीं, ड्राइवर जो है ना चोर का बच्चा है, पैसे खा जाएगा सारे। अहमद को जाना चाहिए। तो क्या हो गया? अगर तोर से पैसे रख भी लेता है तो? हमें देर हो रही है, तैयार भी होने 12 बज गए हैं। अच्छा कबाब रहने दो, कोई जरूरत नहीं है कबाब की। हाँ मैं भी यही सोच रहा था कि रहने ही देते हैं, वैसे भी कोमल तो अब यहीं है, किसी भी दिन तसल्ली से जो दिल करे बनवा लीजिएगा। तो मुझे खाना बनाने के लिए लाए हो यहाँ? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है बेटा, शोर से ना आप कहते हैं ये तू ता तुम, ये नहीं चलता। अहमद को यही पसंद है कि मैं तुम करके बात करूं। क्यों अहमद? बिल्कुल। मैंने ही बोला कोमल को भी, मियाँ बीवी में आप जनाब की क्या जरूरत है। तो खैर, मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी थी रिंग की, देखी? हाँ अच्छी है, और तुम चाहो तो कल परसों में पिक भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना कुछ तो लिया तुमने। हाँ लेकिन इंसान को अपनी हैसियत में रहना चाहिए ना। वैसे भी अभी तुम्हारी नंद की शादी होने लगी है अहमद, इतना कुछ करना होगा, घर भी हमारा अपना नहीं है। क्या ये घर आपका नहीं है? नहीं है पर हो जाएगा, उसमें क्या बात है। घर झूठ, एक और धोखा। अब ये भी बता दो कि माँ बाप भी तुम्हारे अपने हैं या नहीं? कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो, पागल हो गई हो? तुम्हारा क्या घर लंदन में है? तो हमने इस बारे में झूठ भी नहीं कहा आप लोगों से, ये सब क्या है अहमद? कोमल तो मेरी बात सुनो, शादी खानदान से होती है, धन दौलत से नहीं, खानदानों में आपस में शादी होती है। खानदानों में रिश्ते झूठ बोल कर नहीं किए जाते। दिल ने उस पहली मुलाकात से धोखा खाया।